हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर। मेरा नाम इंद्रप्रीत सिंह और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ 4 बेडरूम 4 वॉशरूम काफ़ी बढ़िया प्रॉपर्टी, काफ़ी बढ़िया लोकेशन पे और 300 स्क्वायर यार्ड का साइज़, काफ़ी बढ़िया लोकेशन है, पार्क फेसिंग, प्रॉपर डिसेंट साइज़ जो एक्चुअल में क्लाइंट्स की डिमांड होती है। और ये जो लोकेशन है ये है सुशांत लोक फेस 3। बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग की हुई है, काफ़ी बढ़िया टच है और ये प्रॉपर वास्तु का ध्यान रखा गया। जो ड्राइंग डाइनिंग है ये पीछे की तरफ है और सामने की तरफ पार्क है, तो 2 बेडरूम्स को पार्क मिलता है। इसकी जो फेसिंग है ना वो साउथ की है और ये जो लेआउट है ये प्रॉपर वास्तु के हिसाब से बनाया हुआ है। यहाँ पे ईस्ट की तरफ डायरेक्शन हो गई, ये सामने आपका डाइनिंग हो गया, ये आपका ड्राइंग हो गया, बढ़िया है। तो अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें अप्रोच की, तो SGFC स्कूल पास में है, हांगकांग बाजार पास में है, मेट्रो स्टेशन तकरीबन 5 से 7 मिनट की ड्राइव पे है। प्रॉपर्टी की फिनिशिंग की बात करूं तो काफ़ी बढ़िया टच है, छोटी छोटी चीज़ें वो यहां पे भी मुझे नज़र आई हैं। अगर हम बात करें लेआउट की तो लेआउट काफ़ी डिसेंट है, इटालियन का काम किया हुआ है और फिनिशिंग काफ़ी टॉप नॉच है। नियरेस्ट क्या है, 5-7 मिनट की ड्राइव पे आपका गोल्फ कोर्स रोड है, आओ जल्दी जल्दी दिखाता हूँ। इस तरीके से हम एंटर कर रहे हैं, एंटर करते ही काफ़ी बढ़िया इसका डोर है और मैट फिनिशिंग में है। बहुत कम बिल्डर्स इस तरीके की फिनिशिंग दे पाते हैं वुडन के साथ। एंट्री करते ही काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग इटालियन की आप देख सकते हैं, टॉप नॉच फॉल सीलिंग और एलिगेंट फिनिशिंग के साथ। सामने आपका डबल मिरर्स, LED पैनल और बढ़िया हाईलाइट वॉल्स और फॉल सीलिंग काफ़ी बढ़िया है, बैलेंस्ड सीलिंग। और अगर हम इधर से देखें तो ये आपका फॉयर हो गया, जो लॉबी समझ सकते हैं, सामने की तरफ आप डाइनिंग समझें क्योंकि ड्राइव में किचन है, और ये आपका लिविंग हो गया। आप इसमें एक पार्टीशन मुझे लगता है नीडेड था। तो लेआउट में एंट्री करते ही ये आपकी एंट्री है, एंट्री करते ही आपके पास लॉबी, ड्राइंग, डाइनिंग, किचन, 1st बेडरूम, बैक साइड की बालकनी और हाफ द वे सामने की तरफ आपके नेक्स्ट 3 बेडरूम्स, 2nd बेडरूम 3rd बेडरूम एंड 4th बेडरूम। तो सारी बहुत ही बढ़िया लेआउट है, काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है और यहाँ पे आपका पूजा का स्पेस ईस्ट के अंदर पड़ता है। तो डायरेक्शन क्या आ रही है, ये प्रॉपर जो फ्रंट फेस है वो साउथ को आता है और एंट्री इसकी प्रॉपर ईस्ट में आ रही है। और ये आपका वास्तु के अकॉर्डिंग इन्होंने बैक साइड की तरफ इन्होंने ड्राइंग रूम दिया हुआ है, सो दैट वास्तु को हिट ना करें, वास्तु इसमें इंक्लूड हो जाए। तो ये आपका प्रॉपर डाइनिंग का स्पेस और ये आपकी बहुत ब्यूटीफुल किचन। इस तरह से आपकी किचन है, काफी बढ़िया काम किया हुआ है। इसमें क्वार्ट्ज का स्टोन है और नीचे डार्क कलर की फिनिशिंग के साथ ये आपका काउंटर टॉप दिया हुआ है। सामने आपकी हाईलाइट वॉल, कैफ की चिमनी, इसी का हॉब आएगा। ओ माय गॉड, ये किचन काफी बेसिक है। यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेटर और हम चलते हैं इसके 1st बेडरूम की तरफ। यहाँ पे प्रॉपर वुडन फ्लोरिंग, सामने आपकी हाइलाइटेड वॉल, LCD पैनल वाइट कलर का, रूम का साइज काफ़ी अच्छा है और ये वॉक इन क्लोजेट 1, 2, 3, 4 और बीच में आपका ड्रेसर, तो ये चीज़ अच्छी है। और ये बालकनी को अटैच हो रहा है, जो ड्राइंग रूम के साथ बालकनी है ये हम पूरी देख सकते हैं, ग्रेनाइट के साथ है। ये आपका किचन, वेंटिलेटेड भी है, लाइट भी है, नेचुरल लाइट भी है,
और चारों फ्लोर इसमें अभी अवेलेबल हैं और ये आपका बहुत ही बढ़िया ड्राइंग डाइनिंग। तो ये जो बैक साइड की जो बालकनी है इसको दो तरफ से एक्सेस मिलता है, एक आपका ड्राइंग रूम की तरफ से और एक आपका फुल्स बेडरूम की तरफ से। तो यहाँ पे जो बेडरूम है इसमें थोड़ा सा ग्रे टच दिया हुआ है और इस तरीके से इसके वॉशरूम डार्क कलर की टाइल्स हैं, डार्क ग्रे कलर की, अच्छी लग रही है, ग्लोसी में है, ग्लास पार्टीशन मिसिंग है, होना जरूरी है। चैकवार का गीजर, बहुत ही बेसिक मिरर है, बहुत बेसिक है ये आपकी जैकवार, सारी चीजें जैकवार की हैं। अब आप देखें इसका डोर, वुडन का काम बहुत ही प्यारा किया है यार, नो डाउट इन्होंने डोर के अंदर, और ब्रास के हैंडल हैं। अब ये आपका लिविंग और इस तरीके से ये वॉल है आप देखें, और यहाँ पे जब हम बैठे होंगे तो इस तरीके से कुछ थोड़ा सा लुक आएगा। ये आपकी एलईडी पैनल, ये आपका मेन डोर, और हम बाकी पार्ट में जाने से पहले एक बार हम देखते हैं ये वाला पार्ट, किचन, पूजा रूम, एंट्री, फोर्स बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, पीछे की बालकनी मैं आपको दिखा चुका हूँ, फैन एंटिक लुक में ये आपको दिखा दिए, डबल मिरर ग्लास का। तो वॉल कितनी हाईलाइट होगी, एक वॉल ये हाईलाइट होगी, एक ये वॉल हाईलाइट होगी, सामने वाली हाईलाइट होगी और एक ये होगी, तो बची कौन सी है, सिर्फ एक ये वॉल। तो उसके अलावा यहाँ पे आपका पूजा का स्पेस आना चाहिए, बिल्डर से बात करनी बनती है। अभी जो हमने किचन देखा था ना उसके अंदर ये जो पार्टीशन है यहाँ पे जब लाइट जलेगी काफ़ी अच्छा लगेगा। अब हम इसके सेकंड बेडरूम, काफ़ी बढ़िया इटालियन, बहुत ही प्यारा फिनिश इटालियन है, नैरो जॉइंट्स और ये आपकी हाईलाइटेड वॉल। अब आप नोटिस करना ये आपकी पूरी हाईलाइट वॉल है और इसी में आपकी वार्डरोब मर्ज हो रही है। अब देखें एक सेक्शन, दो, तीन, चार, फाइव सेक्शन वार्डरोब आपके पैटर्न में ही मर्ज हो रही है, ये थोड़ा सा डिसेंट है, अच्छा लग रहा है, नाइस। और इसी पैटर्न के लैमिनेट को यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है और ये भी काफ़ी डिसेंट लग रहा है। तो यहाँ पे भी बालकनी इनके साथ मिल जाती है और ये आपकी फॉल सीलिंग, डिसेंट काम है। और इस तरीके से शॉवर का स्पेस, ये डबल कनेक्टेड है, वॉशरूम कॉमन भी है, जैकवार की फिटिंग्स, जैकवार ग्रे ग्रे की टाइल्स है, काफी अच्छा काम किया हुआ है। ये आपकी फाइव सेक्शन वार्डरोब्स और इस तरीके से बेड की बैक और ये फॉल सीलिंग, एलईडी पैनल, फ्रंट की बालकनी, ये वॉशरूम इसके साथ अटैच्ड, काफी बड़ा वॉशरूम है, इन्होंने ग्लास पार्टीशन कहीं पर भी नहीं दिए, ये बात करनी पड़ेगी। अगेन जैकवार की फिटिंग्स सारी है, सारी जैकवार की फिटिंग्स हैं, जैकवार की सारी सेंट्री है, फिटिंग्स है, जैकवार ब्रांड और टाइल्स काफी डार्क और वुडन का डोर काफी डिसेंट। अब मैं आपको ये देखो, इसका मेन डोर काफी बढ़िया है, ये फ्रंट का मेन बेडरूम, सेकेंड बेडरूम, इस तरीके से हाईलाइटेड वॉल, इस तरीके से इसकी फिनिशिंग, यहाँ पे ये वॉल हाईलाइट की हुई है, सामने थ्री सेक्शन वार्डरोब है, ये पूरे घर में सबसे छोटा बेडरूम है बट फिर भी स्पेशियस है, 300 स्क्वायर यार्ड के साइज में फोर बेडरूम, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट ही होता है फोर्थ बेडरूम, यहाँ पे फिर भी स्पेस मिल रहा है, फोर बेडरूम, फोर वॉशरूम,
इन दो बेडरूम्स में ये कॉमन वॉशरूम आ रहा है और एक बाहर लोगों के लिए कॉमन है गेस्ट रूम के लिए। अगर ये स्पेस यहाँ से अगर ये वॉशरूम बंद कर देते तो उसका अटैच हो जाता है, इसके साथ ये कॉमन हो जाता। तो आई डोंट नो इसका क्या सॉल्यूशन है, बात कर सकते हैं बिल्डर से। और बालकनी 1, 2, 3 बालकनी, काफ़ी डिसेंट लेआउट है। छोटी छोटी कमियाँ क्या हैं मुझे, मैं भी डिस्कस करता हूँ। हाँ जी, वेलकम बैक। जैसे मैंने ना ये घर पूरा अच्छी तरीके से आपको दिखाया है और देखा भी है, तो कुछ नो डाउट चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ थोड़ी सी मुझे अटपटी लगी। उसका रीज़न क्या है कि लेआउट में 4 बेडरूम 4 वॉशरूम तो है, बट 2 बेडरूम में एक कॉमन वॉशरूम अटैच होता है। उसका हम सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं, वो मुझे सॉल्यूशन नज़र आ गया है। बट हाँ, दूसरी जगह किचन, इतना बढ़िया स्पेस निकालने के बावजूद भी उसकी फिनिशिंग में दिक्कत है। उसमें जो उन्होंने जाली दी है ना, वो बड़ी ऑड सी है, जो आज के टाइम में नहीं यूज़ होती। तो थोड़ा सा बिल्डर से हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, और कहीं कहीं छोटा सा वुडन के अंदर जो इन्होंने LCD पैनल फिर भी ठीक लगाए हैं, वार्डरोब भी ठीक है। वुडन का जो पैनलिंग है जो फ्रंट बेडरूम में है, वो थोड़ी सी मुझे ऑड लगी। फ्रंट की बालकनी मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ और लाइट थोड़ी सी डिम होगी, मैं लेट हो जाता हूँ, तो फिर भी आज शूट करना था। इस प्रॉपर्टी की अप्रोच की बात करूँ, SDFC स्कूल पास में है, हांगकॉन्ग बाज़ार पास में है, MKM मार्केट पास में है, M3M का जो नया मॉल बन रहा है वो पास में है, 5 एकड़ का बच्चों का पार्क सामने है और बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, तो सेमी गेटेड मैं बोल सकता हूँ और बिल्कुल मेन टू बैक कनेक्टेड है एक ही रोड से, तो काफ़ी बढ़िया। पूरे SL3 का सबसे बड़ा पार्क इसके साथ लगता है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा USP है इस प्लॉट की। और सनलाइट बरकरार रहती है, आर्टिमिस हॉस्पिटल भी पास में पड़ता है। काम बिल्डर ने डिसेंट किया हुआ है, 4 फ्लोर अभी अवेलेबल है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी जेन्युइनिटी के साथ हम आपको घर दिखाते रहेंगे, इसी ट्रांसपेरेंसी के साथ हम आपको घर दिखाते रहेंगे। और प्लीज़ जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिन लोगों को लोन्स की रिक्वायरमेंट है, मेरी डिस्क्रिप्शन में लोन वाले का नंबर है, वो मैं आपके साथ डाल देता हूँ, मिस्टर नवीन जी हैं। और दूसरा, जिन लोगों को बिल्डर फ्लोर पूरे गुड़गांव में अच्छे सेक्टर्स में चाहिए हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जैसे कि DLF फेज़ 1, 2, 4, 5, SL 1, 2, 3, South City 1, South City 2, 55, 56, 57, 45, 46 और 42, 43, 27, 28। तो इन सारी जगह पे हमने काफ़ी अच्छी डीप वर्किंग करके है, काफ़ी जगह निकल चुकी हैं, काफ़ी जगह चीज़ें बची हुई हैं, तेज़ी से चर्न हो रहे हैं, बिक रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग जिनका भी डिसीज़न बन रहा है और जो लोग देखना चाह रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें आपके फ्रेंड्स आपके फैमिली में। जितना जल्दी आप शेयर करेंगे उतना बेनिफिट है उन लोगों को और आपको भी। ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं हम अगली ऐसी वीडियो में। बाय।